इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करें। पाकिस्तानी अवाम की मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान की मदद का फैसला। उन्होंने इस बात पे शुक्रगुजार भी हैं। कहा है हफीज शेख की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को 2019 से सऊदी अरब डेफर्ड पेमेंट का इजरा कर रहा है। डेफर्ड पेमेंट यानी कि मौखर अदायगियाँ पेट्रोलियम मसनूआत की मद में होंगी और इस सहूलत से पेट्रोलियम मसनूआत की सहूलत $275 मिलियन महाना होगी। 1 जुलाई 2019 से सऊदी अरब मौखर अदायगियाँ बहाल कर रहा है। हमारे साथ हमजा फारूक है, उनसे मजीद जानेंगे। ओके, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आरिफ हबीब साहब, मारूफ ताजर है, उनसे बात करेंगे। आरिफ हबीब साहब, क्या कहिएगा, ये जो मौखर और अदायगियाँ होंगी, डेफर्ड पेमेंट जारी है, कितनी मदद मिलेगी इस वक्त जो डॉलर और रुपए में हम एक गैर इस्तेहकामी सूरत हाल देख रहे हैं? आई थिंक ये मौजूदा हालात में इसकी शदीद जरूरत थी पाकिस्तान को, और इस अनाउंसमेंट से जिस तरह आपने भी अपने इब्तदाइये में कहा कि हमारे जो डॉलर की वैल्यू में जो है वो इस्तेहकाम पैदा होगा और उससे हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारे जो रिजर्व से प्रेशर है वो कम होगा, तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मार्केट जो है उसको बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगी आई बिलीव। ठीक है, तो यानी ये जो पेट्रोलियम मसनूआत पर अदायगियां हैं ये मौखर हो गई हैं, इससे डॉलर पर भी फर्क पड़ेगा क्योंकि जाहिर है लेन देन बाहर के मालिक से जो होती है वो डॉलर्स में ही की जाती हैं। जी बिल्कुल सही। तो इससे फिर रुपए की कदर कुछ ऊपर जाएगी, कुछ बेहतर होगी रुपए की पोजिशन? जी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम जो है वो आना चाहिए, हमारे रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर जो है वो कम होगा, तो हमारी ये के जो हमारी बैरूनी अदायगियों का तवाजुन है वो भी इससे बेहतर होगा, और ये जाहिर है पहले इसकी जो है वो अनाउंसमेंट हुई थी लेकिन कुछ अरसे से इसमें खामोशी थी और इसकी अब तारीख आ जाने से एक मार्केट्स में जो है वो लोगों में कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे इस हवाले से मजीद भी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुश्किल माशी सूरत हाल में सऊदी अरब का फिर अहम किरदार, हुकूमत की जानिब से एक बड़ा और अहम फैसला किया गया है और सऊदी अरब ने भी ये फैसला किया है पाकिस्तान के हवाले से मदद करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जो अदायगियाँ हैं वो मौखर होंगी यानी डेफर्ड पेमेंट होंगी। जुबैर मोतीवाला साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस पर बात करेंगे। जुबैर साहब, आप कैसे देखते हैं इस नई पेशरफ को, कितनी बेहतरी आएगी और डॉलर जो रुपए की इस वक्त हम कदर देख रहे हैं उस हवाले से? मैंने तो वैसे कल भी आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इंशाल्लाह ताला रमजान का महीना है, पाकिस्तान के अल्लाह ने हमेशा मदद की है, अभी भी करेगा, तो अल्लाह पाक ने हमारी मदद की है। सऊदी अरब हमारे ऐसे देरी ना दोस्त हैं कि उन्होंने जो डेफर्ड पेमेंट पे जो ऑयल दिया है ऐसा मतलब बहुत खुशाइन है और इंतहाई रिलीफ की बात है। पैसे तो हमने देने हैं, आज नहीं देने, लेकिन डेफर्ड पेमेंट के बाद साल भर के बाद देने पड़ेंगे, पैसे हमने देने, लेकिन इस वक्त जो एक दबाव था, शदीद दबाव जो पाकिस्तान के ऊपर था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसके अंदर काफी रिलीफ मिलेगा और इसके रिलीफ मिलने से इसके जो रिपोकशन हैं, इसके जो असरात हैं वो दूरस होंगे। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डॉलर पे प्रेशर कम होगा, तो ये जो डॉलर रूपी पैरिटी का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी, और इसके अलावा जो हमारे जो क्रेडिबिलिटी है और जिस तरह से हम जो कर रहे हैं उस तमाम चीजों के अंदर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ, इससे फायदा मिलेगा। हम सऊदी अरब के हमेशा शुक्रगुजार हैं, आज हम फिर जो है ना सऊदी अरब के एक बार फिर शुक्रगुजार हैं उन हालात में जिनमें हमें देरीना दोस्तों की मदद की और खास करके सऊदी अरब जैसे दोस्तों की जो मदद की जरूरत थी वो वक्त के ऊपर हमारे काम आए। मैं समझता हूँ हमारे दूसरे जो दोस्त बिरादर ममालिक हैं उनको भी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को उनकी मदद की शदीद जरूरत है। ठीक है, साथ ही रहेगा आबिद सुलहरी साहब, माहिर माशियात हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आबिद सुलहरी साहब, आप कैसे देखते हैं, एक तो सऊदी अरब ज़ाहिर है ब्रादर ममालिक है, हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है, दूसरे हुकूमत के इकदाम, ज़ाहिर है हम इस वक्त पैरिटी देख रहे हैं डॉलर और रुपए के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल है, आप इन इकदाम को कैसे देखते हैं, ये कोशिशें जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है? जी, जब IMF कमीशन के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ तो यकीनी तौर 6 बिलियन डॉलर जो कि IMF इस वक्त देने के लिए तैयार है वो बहुत थोड़ी रकम है और पाकिस्तान को एक ऑल्टरनेट की जरूरत है वो तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर की है और ऐसे हो चुकी थी उसको मटेरियलाइज करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मजीद 3 बिलियन डॉलर का अनाउंस करना कि वो स्टेट बैंक पर रिफाए जाएंगे पाकिस्तान के, ये एक पाकिस्तान को काफी हद तक ब्रीदर मिलेगा
और यकीनी तौर पे IMF सऊदीया और इस तरह की जो पेमेंट्स हैं इन सबको मिला के इस साल की जो आपने कहा काफी बेहतरी आएगी बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है उस पर, लेकिन जो करंट अकाउंट का खसारा है वो किस हद तक बेहतर होगा इस सारी सूरत हाल के बाद? जी देखिए, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेहतरी आती है तो करंट अकाउंट का खसारा ऑटोमेटिक बेहतर होता है। जो पाकिस्तान के अगले माली साल में दो बड़े प्रेशर आने हैं, वो एक तो जाहिर है तेल की कीमतें और तेल की इम्पोर्ट, और अभी तक सऊदी अरब की तरफ से ये फॉर्मलाइज नहीं किया गया था जो अनाउंसमेंट हुई थी डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल की, और अगर वो शुरू हो जाती है तो आपको एक तो वहाँ पे रिलीफ मिलता है, और दूसरा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए डॉलर जो है स्टेट बैंक पर रखवाए जाते हैं तो अगेन करंट अकाउंट पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा। तो ये हर लास्ट से एक पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और यकीनन इसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट हैं वो आने वाले हफ्तों में देखने में मिल रहे होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी खबर है, और हमाद अजहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू। हमाद अजहर साहब, बड़ी सराहा जा रहा है अब तक जितनी हमारी बातचीत हुई है, चाहे वो मईशत की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले हों या ताजर बरादरी के लोग हों, आप जरा इसकी डिटेल हमें बताना चाहेंगे किस तरीके से पाकिस्तान में हेल्प आउट कर सकेगा जो इस वक्त माशी सूरत हाल है और जो डॉलर की पोजिशन है? देखिए, इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो है वो बढ़ रही थी, जिससे पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट के ऊपर खर्चा आता है, जो हम डॉलर खर्चते हैं तेल को की इम्पोर्ट के लिए, उसके अंदर भी इजाफा हो रहा था। तो हमें इससे बहुत ज्यादा ये फायदा मिलेगा कि 3.5 अरब डॉलर की, तकरीबन ये 3 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम है जो हमें डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिलेगा। नंबर एक तो ये, नंबर दो कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ऑलरेडी 30% कम हो चुका है पहले 8 माह में नई हुकूमत के, और उसके साथ जब आप ये IMF का अग्रीमेंट और ये 3.2 अरब डॉलर की रोल ओवर के साथ फैसिलिटी सऊदी अरब की तरफ से जब आप क्लब करें, तो इसका मतलब है कि अब आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे, उसकी बहुत सारी परेशानियां हमारी दूर हो जाएंगी, और मार्केट में एक खास तबका जो कि अनसर्टेनिटी फैला रहा था, गैर यकीनी की सूरत हाल फैला रहा था, मैं समझता हूँ कि इस फैसिलिटी के साथ वो गैर यकीनी की सूरत हाल भी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया कि जो मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है वो इस अच्छी खबर के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, पैनिक बाइंग कर रहे हैं डॉलर की, उनके लिए बुरी खबर है, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है कि आपके दिन ब दिन देखें, ये जो लोग पैनिक बाइंग कर रहे थे उसका इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के साथ तो वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि आपके खसारे तो बहुत तेजी से, बैरूनी खसारा आपका जो था वो कम हो रहा था, जिसका मतलब है कि आपके जो डॉलर जो आपको खर्चने पड़ते थे अपनी इंपोर्ट्स के लिए और रीपेमेंट्स के लिए, उसमें कमी आ रही थी। तो अब इस एडिशनल फैसिलिटी के साथ हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं उसमें मजीद बेहतरी आएगी, इजाफा होएगा, और हमारा जो बिजनेस में स्टाफ जो एग्रीमेंट हो गया है उससे भी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की पोजीशन जो है वो मजीद मुस्तहकम होएगी। तो मैं समझता हूँ कि कोई गैर यकीनी की अब सूरत हाल नहीं रही, और दिन ब दिन हमें बेहतरी की खबर आ रही है। आपने कहा बेहतरी की खबर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो रुपए ने नोज डाइव ली, बाज लोग तो यहाँ तक कह रहे थे 170 तक जाएगा, ये किस पोजीशन पर आ सकता है इस डॉलर, ये जो अदायगियां डेफर्ड पेमेंट होंगी इसके बाद रुपए की कदर किस तरीके से और किस हद तक मुस्तहकम हो सकती है, कोई अंदाजन आप बता सकें? देखिए, हमने ये फैसला किया है हमारी मौजूदा हुकूमत है कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दुनिया का जो बेहतरीन तरीन इदारे हैं उनमें से बनाना है, और उसके लिए जरूरी है कि हम उनको आजादी दें कि वो मुल्क की मईशत के फंडामेंटल्स को सामने रखते हुए एक्सचेंज रेट के ऊपर फैसले भी करें और बयान भी वो देंगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताता चलूं कि जो हमारे जो माजी के अंदर जो हमारी पॉलिसी रही है कि जहां पे हमने एक्सचेंज रेट को ऊपर रखने के लिए अरबों डॉलर, तकरीबन 24 अरब डॉलर हमने चंद सालों के अंदर खर्च कर दिए, तो वो कोई खास अच्छी पॉलिसी नहीं थी, उससे हमारी मईशत जो है वो तबाही का बायस बनी। अब हम उस पॉलिसी के ऊपर नहीं चल रहे जो नई हुकूमत है, और हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पूरी ऑटोनॉमी भी दी है, और इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट के ऊपर जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही बयान दे तो वो ज्यादा बेहतर है। और साथ में ये भी बता दें हमाद अजहर साहब के नए साल में फिस्कल स्पेस कितना मिलेगा? हम फिस्कल स्पेस के ऊपर अब काम कर रहे हैं अगले साल में। इस साल जो है हमें रेवेन्यू की शॉर्टफॉल की वजह से और इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर जो हमारे एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, हमें फिस्कल साइड के ऊपर ज्यादा पेशरफ नहीं मिली। जिस तरह हमें बैरूनी खसारे जो थे वो तेजी से हमें कम होते नजर आए, उस तरह हमें अंदरूनी खसारा कम होता नहीं नजर आया। इसलिए हम बजट के अंदर भी इकदाम उठाएंगे और अगला पूरा साल जो है हम फिस्कल के ऊपर कंसोलिडेशन करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अगला साल आप देखेंगे IMF का प्रोग्राम भी हमारे साथ होएगा कि हमें फिस्कल साइड के ऊपर बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आएगी।
ठीक है हमाद हसन साहब, बहुत शुक्रिया रवाय न्यूज से बात करने के लिए। साबिर शाकिर हमारे साथ हैं। साबिर शाकिर, क्या कहिएगा, कितनी अच्छी और अहम खबर है और कितनी बुरी खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने डॉलर जखीरा किए हुए हैं? उनके लिए तो बुरी खबर है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है और ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि सऊदी अरब से मिल रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला ये है कि अदायगियाँ करनी है और अदायगियाँ डॉलर्स में करनी है, और इसीलिए मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है और हर शख्स जिसके पास जो भी जमा पूंजी है वो 1,00,000 रुपए है, 50,000 है, 2,00,000 है, उसकी भी ख्वाहिश है कि वो डॉलर लेके रख ले। और लगता ऐसा है कि पीछे इन सबको हैंडल करने वाला हैंडलर कोई एक है जो ये सारा एक क्योस पैदा कर रहा है कि डॉलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसको खरीदा जाए और उसको लेके रखा जाए। ये जो खबर आई है सऊदी अरब से मौखर अदायगियों की और वो भी 3 साल के लिए, तो मेरा ख्याल से बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और इकोनॉमी में भी थोड़ा सा ठहराव आएगा। और इसको अब ये गवर्नमेंट का काम है कि बाकी जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनके जरिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके जरिए एक बातचीत के जरिए एक ऐसा माहौल, कम्फर्टेबल माहौल दिया जाए कि ये जो मार्केट में क्योस पाया जाता है इसको ख़त्म हो सके। ठीक साबिर, आप हमें इस हवाले से तज़िया दे रहे थे अपना। मुश्किल मआशी सूरतेहाल में सऊदी अरब का अहम किरदार, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह रबते हुए फिर एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आई और वो ये है कि 1 जुलाई 2019 से सऊदी अरब डेफर्ड पेमेंट के यानी मौखर अदायगियों का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहा है। डेफर्ड पेमेंट्स पेट्रोलियम मसनूआत की मद में होंगी और इस सहूलत से पेट्रोलियम मसनूआत की सहूलत $275 मिलियन महाना हो जाएंगी।